चुड़ैल की खूनी चक्की। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी सुमन और छोटी बेटी निशा के साथ रहा करता था। हरिया बहुत गरीब था और वो अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए एक छोटी सी चक्की की दुकान पर काम किया करता था। हरिया पूरे दिन मेहनत करता और रात को थक हार कर घर आता। ऐसे ही एक दिन, मालिक, एक महीने से ज्यादा हो चुका है पर अब तक आपने मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दी। मुझे मेरी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। अगर आप इस महीने की तनख्वाह मुझे दे देते तो कल मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा कर देता। अगर मैंने परसों तक स्कूल की फीस जमा की तो स्कूल वाले उसका स्कूल से नाम काट देंगे। हरिया, तेरा तो रोज का यही नाटक है। काम धाम तुझे सही से करना नहीं होता पर तनख्वाह पूरी चाहिए, वो भी बिल्कुल टाइम पर। अरे एक दो दिन लेट हो जाए तो क्या हो जाएगा? तुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि कितना मंदी चल रही है और इसमें भी तुझे बस अपनी सैलरी की पड़ी रहती है। साहब, सैलरी का टाइम 10 तारीख है पर आज 20 हो गई है और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। साथ ही साथ अब मुझे लोगों के घर जाकर आटा भी देकर आना होता है। अकेले मैं इतना सारा काम करता हूँ और आप कह रहे हैं कि तंगी आ गई है। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए। अब तू मुझे बताएगा कि मेरा काम कैसे चल रहा है और कैसे नहीं। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। ये पकड़ अपने पैसे और कल से मत आना मेरी चक्की पर। इतना बोलकर चक्की का मालिक हरिया को अपने काम से निकाल देता है। हरिया उन पैसों को ले जाकर अपनी बीवी को दे देता है। हरिया को उदास निराश देखकर हरिया की बीवी कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? और इस महीने भी आपकी सैलरी कट कर आई है। अगर इसी तरह से हर महीने सैलरी कटती रहेगी तो हम अपनी निशा की पढ़ाई कैसे पूरी करवाएंगे और कैसे घर चलेगा? सुमन, लगता है निशा की पढ़ाई हमें छुड़वानी पड़ेगी क्योंकि मेरा काम छूट चुका है। अब मैं उसकी स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप ऐसे निराश मत होइए। मैंने आपको पहले ही कितनी बार कहा था, अपने मालिक ठीक नहीं है, वहां से काम छोड़ दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप एक काम कीजिए, इन पैसों से चक्की खरीद लीजिए। अब हम अपनी खुद की चक्की चलाएंगे। और रही निशा की बात, तो अब हम उसे सरकारी स्कूल में भेजेंगे। हमारी निशा बहुत अच्छी है पढ़ने में। मुझे निशा पर पूरा विश्वास है कि वो सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी। जिसके बाद हरिया उन पैसों से चक्की लेने जाता है, परंतु उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो पुरानी चक्की लेने की सोचता है और एक साहूकार के पास जाकर पुरानी चक्की ले लेता है। पर साहूकार हरिया को वो चक्की फ्री में दे देता है और जल्दी से जल्दी अपने साथ ले जाने को बोलता है। ये देख कर हरिया बहुत खुश हो जाता है और चक्की को लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, ये पैसे रख लो, अब हमारी निशा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगी। देखो ये चक्की मुझे मुफ्त में मिल गई है, पुरानी है पर काम करती है। मैंने वहीं पर इस चक्की को चलाकर देखा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कल ही चक्की की पूजा करके अपना नया काम शुरू करेंगे। इतना बोलकर वो उस चक्की को कमरे में रख देते हैं और खुद सोने के लिए चले जाते हैं। सब सो रहे होते हैं तभी आधी रात को निशा को चक्की चलाने की आवाज सुनाई देती है। निशा उठकर चक्की वाले रूम में जाती है जहाँ पर चक्की रखी होती है। निशा चक्की के पास जाकर देखती है कि चक्की अपने आप ही चल रही है। ये देखकर निशा बहुत डर जाती है पर फिर भी हिम्मत करके चक्की के पास जाती है और चक्की बंद कर देती है। निशा चक्की बंद करके अपने कमरे में जाने लगती है कि एक बार फिर से चक्की चलने लगती है। निशा पीछे मुड़कर देखती है तो चक्की अपने आप चल रही होती है। ये देखकर निशा बहुत तेज डर जाती है और बाहर की ओर जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसको एक चुड़ैल नजर आती है। उसको देखकर निशा बहुत तेज चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। निशा की आवाज़ सुनकर हरिया और सुमन भागते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं और निशा को उठाते हैं। निशा होश में आती है और अपने माता पिता से बोलती है, माँ, ये चक्की सही नहीं है, इस चक्की पर किसी चुड़ैल का साया है, मैंने अपनी आंखों से देखा उस चुड़ैल को। बेटा, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, देखो चक्की अपनी जगह पर है, यहाँ कोई भी नहीं है। इस तरह से सुमन और हरिया निशा को समझा बुझा कर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन भी निशा को फिर से वो चुड़ैल नजर आती है जो चक्की चला रही होती है। ये देखकर निशा फिर से बहुत डर जाती है और अपने माता पिता को बताती है, परंतु उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। पता नहीं निशा को क्या हो गया है, आज से पहले निशा ने ऐसी बातें कभी नहीं करी,
पर जब से चक्की आई है तब से वो हमें एक ही बात क्यों बोल रही है? आप सही कह रहे हैं जी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि निशा आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मेरी मानो तो हमें घर में छोटा सा हवन करवा लेना चाहिए, क्या पता घर की शुद्धि होने के बाद निशा के मन से चुड़ैल का वहम भी चला जाए। इतना बोलकर हरिया और सुमन सोने के लिए चले जाते हैं। उस रात फिर से घर में चक्की चलने की आवाज़ आती है। इस बार ये आवाज़ सुमन को भी सुनाई देती है। चक्की चलने की आवाज़ सुनकर सुमन डर जाती है और हरिया को उठाती है। हरिया को भी चक्की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद सुमन और हरिया हिम्मत करके चक्की के पास जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक चुड़ैल चक्की चला रही होती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और हरिया चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम? ये मेरी चक्की है, इसे सिर्फ मैं ही चलाऊंगी, समझ में आई बात? अगर तुमने इस चक्की को चलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ये सुनकर सुमन और हरिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी के साथ अपने घर से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सुमन और हरिया एक बाबा को बुलाकर लाते हैं। बाबा उनके घर में एक हवन करवाता है। हवन करने के बाद चुड़ैल बाबा के सामने आती है और बाबा से पूछे जाने पर चुड़ैल उसे अपनी कहानी बताते हुए बोलती है, ये चक्की मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी जो मरने से पहले मुझे उन्होंने दी थी। इसी चक्की को चलाकर मैं अपना गुजारा किया करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मरने से पहले साहूकार से कुछ कर्जा लेकर गए थे और उनके जाने के बाद वो कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। मैं साहूकार का कर्जा चुका नहीं पाई, उसने मेरे घर के साथ मेरी चक्की भी छीन ली। मैंने उसके आगे बहुत मिन्नतें की कि मेरे बाबा की आखिरी निशानी मुझसे मत छीनो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो मेरी चक्की लेकर चला गया। साथ ही उसने मेरे घर में आग भी लगवा दी, क्योंकि मैं घर खाली नहीं कर रही थी, जिससे मेरी मौत हो गई। बस तब से मैं इस चक्की के साथ हूँ और साहूकार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए चक्की तुम्हें फ्री में दे दी। मुझे उस साहूकार की गर्दन इस चक्की में पीसनी है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। चुड़ैल की कहानी सुनकर हरिया उसकी बात मान जाता है और चक्की को साहूकार के घर में चुपके से छोड़ आता है, जिसके बाद चुड़ैल साहूकार की गर्दन को काट कर उस चक्की में पीस देती है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और हरिया उस चक्की से अपना छोटा सा बिजनेस करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।